दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगने के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है, तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, मुझे कोर्ट और जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, आप कोर्ट के फैसले का सम्मान करना सीखिए, जमानत कोई छूट नहीं है। कल एक समाचार आया था कि लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दिया है या देने वाली है। आज दिन भर की घटनाएं घटने के बाद जांच एजेंसी ने अपील किया और हाई कोर्ट ने उस बेल पे रोक लगा दी है। तो हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुबह भी जब हमको ANI ने पूछा तो हमने यही कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अब हाई कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया, हाई कोर्ट के संज्ञान में जो भी बातें आई होंगी, तो अगर उन्होंने स्टे लगाया इसका मतलब कि कहीं ना कहीं निचली अदालत के फैसले में कुछ कमी रह गई होगी। तो एक सांसद होने के नाते हमारा कोर्ट पे विश्वास है, जांच एजेंसियों पे विश्वास है, और हमें पूरा विश्वास है कि कोई कितना भी कुचक्र रच ले, दोषी को सजा मिलेगी और जो निर्दोष होगा वो बचेगा। साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए, आज झूठ बोलकर नहीं जीत सकते हैं, ना ही बेल ले सकते हैं। साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसी और कोर्ट है, मैं तो कहूंगा आम आदमी पार्टी को कि कोर्ट का सम्मान करना सीखिए। अपराध करने के बाद आप झूठ बोल करके नहीं जीत सकते हैं, झूठ बोल करके आप बेल नहीं ले सकते। हमें कोर्ट पे भरोसा है, उन लोगों को भी कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, और जांच एजेंसियां जो कर रही हैं उनके पास जो भी पुख्ता सबूत है उसके खिलाफ अगर बेगुनाही का सबूत है तो उनको देना चाहिए, वरना हमारा विश्वास है कि कोर्ट अपना सही काम कर रही है। मैंने सुबह भी कोर्ट पे कोई दोष नहीं मढ़ा, शाम को भी नहीं मढ़ रहा हूँ, मुझे जांच एजेंसी पे विश्वास है, कोर्ट पे ही विश्वास है। यानी कुल मिलाकर अब ये साफ हो गया है कि लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। हालांकि इस मौके पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आम आदमी पार्टी को कानून का सम्मान करने की सलाह दे रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी मनोज तिवारी के इस बयान का कितना अमल करती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।